Hello guys, welcome back to my YouTube channel Fashion Brand. Hope you guys are doing well. So I am back with another video. इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ आपको टाइप्स ऑफ लाइन. जी हाँ, लाइन्स बहुत सारे टाइप्स की होती है, उसमें से कुछ टाइप्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ. सो फर्स्ट है डॉटेड लाइन्स. उसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने 3x3 सेंटीमीटर के कुछ बॉक्सेस बना के रखे हैं. उसमें से फर्स्ट बॉक्स में मैं आपको दिखाने वाली हूँ डॉटेड लाइन्स. तो ये देखिए डॉटेड लाइन्स, बट ऑब्वियसली डॉट से बनती है, तो मैं डॉट से लाइंस बनाने की ट्राई कर रही हूँ. ये देखिए मैंने कुछ डिस्टेंस में अलग अलग टाइप्स की लाइंस बना के रखी है डॉटेड लाइंस. अब इस लाइंस को मैं ब्लैक पेन से कंप्लीट करूंगी. तो अब ये देखिए मैंने इस लाइंस को और बाहर की जो बॉर्डर है बॉक्स की, उन दोनों को ब्लैक पेन से कम्प्लीट कर ली. अब जो हमारी सेकेंड लाइन है वो है ब्रोकन लाइन्स. सो ब्रोकन लाइन्स में क्या होता है कि लाइन जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसमें से बीच बीच में डिस्टेंस होता है. ये देखिए मैं कर रही हूँ इस लाइंस में, मैं कोई परफेक्ट मेजरमेंट या डिस्टेंस से नहीं कर रही हूँ, रैंडम लाइंस कर रही हूँ. अगर आप चाहे तो उसे मेजरमेंट से भी कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो रैंडमली भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं रैंडमली दिखा रही हूँ. तो ये देखिए इसमें जो लाइन, एक लाइन होती है उसका डिस्टेंस किसी का बड़ा किसी का छोटा होता है. तो अब ये भी मैं इसको भी मैंने ब्लैक पेन से कंप्लीट कर लिया और बॉक्स को बॉर्डर दे दी. तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है. अब हम जो थर्ड लाइंस बनाने वाले हैं वो है वेवी लाइंस. वेवी लाइंस जो होती है वो कर्व लाइन जैसी होती है लेकिन उससे थोड़ी अलग होती है. कर्व लाइंस में बहुत बहुत डीप कर्व्स होते हैं, बाकी जैसे कि वेवी लाइंस में बहुत ही छोटे छोटे कर्व्स होते हैं. आप देख सकते हैं मैं वेव्स लाइंस बना रही हूँ. इसमें भी मैं आपको बोल रही कि मैंने कोई परफेक्ट मेजरमेंट या तो कोई परफेक्ट शेप को पकड़ के मैं नहीं चली हूँ. रैंडमली अगर आप ऐसे ही कोई लाइंस ड्रॉ करने बैठो तो आप कैसे बनाते हो, मैंने वैसे ही रैंडमली लाइंस ड्रॉ की है. इसको भी हम लोग पूरा बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे. आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही छोटे छोटे कर्व्स होते हैं और ज़्यादातर ये वेव्स की जैसे दिखती है. तो अब ये इसको भी मैं कंप्लीट करने के बाद इसको मैं ब्लैक पेन से पूरा कलर कर दूंगी. ये देखिए मैंने आउटलाइन पूरी ब्लैक पेन से कर दिया और ये कितना प्यारा लग रहा है. अब जो हमारी फोर्थ लाइन है वो है वर्टिकल लाइंस. वर्टिकल लाइन से तो आप सब लोग वाकिफ होंगे, इसलिए मैंने ये ऐसे ही ड्रॉ करके. सो ये देखिए मैंने वर्टिकल लाइन्स भी कंप्लीट कर ली. इसमें भी मैंने कोई एक परफेक्ट एक मेजरमेंट लेके नहीं किया, रैंडम ही किया. और ये देखिए इसको मैंने ब्लैक पेन से भी कंप्लीट कर लिया. अब हमारा जो फिफ्थ टाइप है वो है डायगोनल लाइंस. डायगोनल लाइंस मतलब कि जो लाइंस जो स्लांट होती है. ये देखिए मैंने एक टाइप थोड़ी सी लाइंस ड्रॉ करके रखी. अब मैं इस बॉक्स को पूरा कंप्लीट करूंगी. अब यहाँ पे भी मैंने कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं लिया है, रैंडमली ही लाइंस ड्रॉ किए. इसके बाद मैं इसको ब्लैक पेन से कंप्लीट कर लूंगी. ये देखिए ब्लैक पेन से कंप्लीट होने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है. अब जो हमारी सिक्स्थ लाइन है वो है हॉरिजॉन्टल लाइंस. हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी आप सबको पता ही होगा कि कैसी होती है. सो ये देखिए मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है. इसके मैं ब्लैक पेन से इसको आउटलाइन कर दूंगी. और यहाँ पे भी मैं आपको वापस बोल रही हूँ कि इसमें भी मैंने कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं लिया है. अगर आप चाहो तो एक परफेक्ट मेजरमेंट से कर सकते हो. अभी सेवन्थ जो है वो है जिगजैग लाइंस. जो जिगजैग लाइंस भी आप सबको पता ही होगा कैसी होती है. सो ये देखिए मैं आपको कर रही हूँ जिगजैग लाइंस कैसी होती है. यहाँ पे भी मैं रैंडमली जिगजैग्स बना रही हूँ, कोई छोटा या कोई बड़ा हो सकता है. इसमें भी मैंने मेजरमेंट नहीं लिया है. तो ये देखिए मेरे जिगजैग लाइन कंप्लीट हो चुकी है. अब इसको मैं ब्लैक पेन से आउटलाइन करूँगी जैसे कि मैंने सारे बॉक्सेस में किया है. ये देखिए ब्लैक कलर से कंप्लीट होने के बाद ये कैसी लग रही है. और अब हमारी जो लास्ट मतलब कि एट लाइन है वो है कर्व लाइंस. मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि वेव लाइंस होती है उसमें कम डीप कर्व्स होते हैं, लेकिन ये जो कर्व लाइंस होती है उसमें ज़्यादा डीप होते हैं. तो ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ कर्व लाइंस. और ये जो बॉक्सेस है वो मैंने 3x3 सेंटीमीटर्स के सारे बनाया. ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाया, अगर आप चाहो तो इससे बड़े या छोटे भी कर सकते हो. और इस सारी लाइंस को कॉस्ट्यूम्स में कैसे डालते हैं वो मैं अपने अगले वीडियो में बताने वाली हूँ. तो अभी तक जिस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे सारे वीडियोज़ देखो, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ वीडियोज़ को शेयर भी करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.